सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों अमर होने वाला है ना? हाँ देखिए, क्योंकि आज हम लोग बनाने वाले हैं पीठा, जिसे हम अपने देहाती भाषा में लड्डू बोलते हैं, लड्डू। और बिल्कुल हम लोग देसी स्टाइल में बनाने वाले हैं, आलू का बनाने वाले हैं। और कैसे बनाएंगे ये भी हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा आएगा मज़ा। देखने में ही मतलब देखने में भी मज़ा आएगा और खाने में भी मज़ा आएगा। क्यों अमर, आएगा ना? हाँ हाँ, तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने हुए रहिएगा। लड्डू पकने के लिए पानी डला रहा है डिक्ची में, और ये है बांस का पत्ता। सुशांति डाल रही है अमर बारे यहाँ। कितना डाल दे? ज्यादा नहीं डाल, मतलब पूरा डूब जाता। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे डिक्ची चढ़ा दिए हैं पानी गर्म होने के लिए, और इसके अंदर पत्ता भी डाल दिए हैं। इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं बांस का पत्ता है ये, और आलू भी मेरा सारा छिला खत्म हो गया है। तो अभी हम लोग कुछ कुछ और करते हैं। फ्यूज हुई है। तो हरियर हरियर मर्चा लाल लाल मर्चा।
लेंगे वाटर तो हमारे पास फिर हम गर्ल तो अपना पीता लगाइए फिर सब इतने खा सको बन हम इतने खा भले हम खा आगे गुड़ की ढेर लगाई और धनिया वाले हैं स्टॉप रसून पीस मरमर जोड़ी का कार्य आपको समझ नहीं आ रहा सो फ्रेंड्स हमारा पीठा जो है कि बन के रेडी हो गया है और अभी हम खा के भी आप लोगों को बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। ये देखिए खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हम लोग बिल्कुल देसी तरीके से बनाए हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं खेत तरफ आलू चुनना है और अभी इधर का मौसम जो है कि पूरा कुहासा कुहासा है। तो हम आज का वीडियो यहीं पे एंड कर रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरा बनाने का तरीका अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम आज का वीडियो यहीं पे एंड कर रहे हैं, बाय। और आप लोग भी ऐसा बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सब कोई खा है जान ले।